हेलो अस्सलाम वालेकुम। की हाले टिकोना खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम फिट। तो भाई आ गया आपका भाई एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसके काफ़ी लोग को डिमांड थी कि भाई लो एंड डिवाइस की सेंसिटिविटी बनाओ भाई, जो 2GB 3GB रैम की डिवाइस होती हैं उनकी सेंसिटिविटी बनाओ, जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी। तो भाई आज आपका भाई आपको सब कुछ बताएगा। पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक का गोल है वीडियो के ऊपर। तो भाई 500 लाइक भाई के पूरे करो, पहली फुर्सत में पूरे करो। और बाकी जो जो न्यू वाले चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो भाई, के सब्सक्राइब ठोक दो। तो भाई आज आपका भाई आपको बताएगा कि सेंसिटिविटी खुद बनाते कैसे हैं, अपनी सेंसिटिविटी बनाते कैसे हैं, और कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा लाइव वेट कर। मतलब मैं सेंसिटिविटी कम करूंगा, लो करूंगा, ज़्यादा करूंगा, सब कुछ आपको शो कराऊंगा कैसे करते हैं। तो भाई चलो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले ट्रेनिंग मोड, बिना टाइम से कर चलते हैं ट्रेनिंग मोड में। तो भाई बाकी ये जो डिवाइस है ये एक्वास R2 है। आप लोग यही सेंसिटिविटी लो डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हो जिसकी 3GB रैम हो। तो भाई बाकी भी ज़रूरी नहीं कि आप सब के सब मेरी इसमें से लो, आप लोग खुद बनाओ कुछ और कुछ इसमें से लो। भाई मैं हमेशा स्टार्ट से हम लोग यही बोलते आते हैं कि भाई कुछ सेंसिटिविटी अपनी बनाओ और कुछ इसमें से लो। तो भाई अक्सर लोग आते हैं लकीर का फ़कीर बन जाते हैं, भाई यही उठाई उठा के अपने किसी और डिवाइस पे यूज़ कर दी। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। हर मोबाइल का जेरो का सिंपल मतलब जेरो का एक अलग हिसाब होता है, किसी का टच का हिसाब होता है, मतलब हर डिवाइस चेंज होती है, हर मोबाइल चेंज होता है। तो ये बात समझा करो भाई। आप लोग बोलते हो कि भाई मैंने आपके उस मोबाइल की सेंसिटिविटी यूज़ की, भाई मेरे में नहीं हो रही। भाई कैसे होगी, चेंज होता है, हर मोबाइल चेंज होता है। जैसे मोबाइलों के कैमरे चेंज होते हैं, बैटरियाँ चेंज होती हैं, मोबाइल परफॉर्मेंस चेंज होती है, उसी तरीके से हर मोबाइल की अलग से बनानी पड़ती है। बाकी पता नहीं किस बंदे की कॉल आई बगदादी। तो भाई चलो बाकी आपका भाई आ गया है, बिना टाइम दिए कि गन उठाते हैं। सबसे पहले मैं इसका जेरो फुल अनबेस पे करूं। चलो भाई जेरो उसका हमने कर लिया ऑलवेज पे, सेटिंग वगैरह भी अपनी पुरानी जो हमारी सेटिंग थी इस मोबाइल में वो कर ली। चलो भाई बाकी मैंने गन्स वगैरह उठा ली। चलो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना हो। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार भाई आप वीडियो लंबी कर देते हो। भाई जब डिटेल देनी हो ना तो तफसील से, तो भाई डिटेल करनी हो ना तो भाई वीडियो लंबी करनी पड़ती है एक एक चीज़ के लिए करने के लिए। भाई मुझे कौन से शौक है वीडियो लंबी करने का। बाकी चलो कोई ना, दोनों गन्ने पूरी हो गई। अब हम स्कोप उठाते हैं रेड डॉट वगैरह। अरे एक्चुअली मेरा इन पे हाथ सेट नहीं है क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ ना इस मोबाइल पे। मैं आप सबको पता है मैं iPhone XR पे खेलता हूँ। मैंने XR की सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ अपलोड की थी भाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देख लेना। थोड़ा बहुत नीचे करोगे तो आप लोग को मिल जाएगी। तो भाई बाकी चलो सबसे पहले रेड डॉट देखते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग डील्स चाहिए हो तो बताना भाई, आपका ट्रेनिंग डील्स थोड़ी बहुत कर देगा जितना आपके भाई को पता है, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए आप लोग को। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। जेरो भी मेरा ऑलवेज पे होना ठीक है। मैंने 400 पे किया था, अगर आप लोग से 400 पे नहीं कट रहा तो आप लोग 300 पे कर देना। अब मुझे आदत है 400 पे करने की, तो इसी में 400 पे खेलता हूँ स्टार्ट में। तो भाई बाकी देखो ये फिलहाल मेरी सेंसिटिविटी है ठीक है, 320 315। मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो। ये 3x ठीक है, अभी बैठ जाओ क्योंकि लेट के तो सबको पता है लेज़र स्प्रे होता है। ये देखो भाई फुल हैकर वाली सेंसिटिविटी।
ये देखो भाई, आपको महसूस हो रहा हो कि सब मस्त मक्खन मलाई की तरह जहरो चल रहे हैं। जबकि मैं इस मोबाइल पर खेलता नहीं हूँ, हम सबको पता है जब जिस मोबाइल पर हम खेलते हैं हमारा उसी में हाथ सेट होता है। थोड़ा फॉरेक्स दिखाता हूँ आप लोग को, देखो भाई चेक करो बस। बाकी भाई कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सा रिकॉर्डर अच्छा है भाई इसके लिए, एक्स रिकॉर्डर भी अच्छा है भाई, काफ़ी रिकॉर्डर आते हैं यार, एक्स रिकॉर्डर यूज़ कर लो, वीडियो रिकॉर्डर यूज़ कर लो, दोनों ही अच्छे हैं। चेक कर रहे हो, भाई लेट के स्प्रे चेक करना, ये देखो लेज़र स्प्रे भाई, लेट के तो लेज़र स्प्रे होते हैं। अच्छा मैं आप लोग को बता रहा था कि भाई सेंसिटिविटी बनाते कैसे हैं, देखो सेंसिटिविटी पे आए ठीक है, जैसे अब आप लोग का नहीं कंट्रोल हो रहा ठीक है, 3x आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, तो इसको भाई आप थोड़ा सा लो कर दो, पहले इसको थोड़ा ज़्यादा लो करो, जैसे 300 पर ठीक है, उसको 270 पर लेके आए, अब आपने स्प्रे किया ठीक है, स्प्रे के देखा भाई आपने स्प्रे थोड़ा बेहतर हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक सबसे मेन बात बताऊँ जो मुझे याद है, देखो भाई जब भी आप स्प्रे करते हो लॉन्ग मीटर स्प्रे भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, ये देखो सिंपल मैं स्प्रे खड़े कर रहा हूँ, ये देखो हल्का सा रिवर्ब मोटर करने मसला हो रहा है ठीक है, अब मैं करूँ क्राउच, क्राउच किया फिर स्प्रे किया, हल्का सा रिकॉल कम हुआ, आसान हो रही है। हाँ तो भाई आपका भाई आ गया वापस, अजान ही और सी तो नेचुरल थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। तो भाई देखो बाकी अच्छा हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। हाँ भाई देखो जब आप खड़े होकर स्प्रे करोगे ना सिंपल ठीक है, थोड़ा सा रिकॉइल होगा, सिंपल मैं खड़ा होकर स्प्रे कर रहा हूँ रिकॉइल थोड़ा बहुत हुआ, अब मैं क्राउच करूँगा ठीक है, क्राउच करके स्प्रे करूँगा रिकॉइल थोड़ा सा कम हुआ, जब आप इसको पीक करोगे ना एक साइड पर तो रिकॉइल जीरो हो जाएगा, भाई याद रखना बेशक, अभी आप खुद ट्राई करना, क्राउच पीक देन स्प्रे करना और फिर आप अपने स्प्रे में फ़र्क चेक करना। और भाई ग्रिप, अगर कुछ लोग ग्रिप का पूछ रहे तो भाई ग्रिप मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ हाफ ग्रिप, एंगल ग्रिप भी अच्छी है और वर्टिकल ग्रिप भी अच्छी है, मगर एंगल ग्रिप कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल ग्रिप है भाई उस पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ वर्टिकल कंट्रोल करती है, भाई हाफ ग्रिप का ये सीन है, हाफ ग्रिप दोनों कंट्रोल करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंट्रोल करती है, तो भाई हाफ ग्रिप बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी हाफ ग्रिप यूज़ किया करो, अगर नहीं यूज़ करते हो ट्राई करना मज़ा आएगा आप लोग को। और उसके अलावा मैं अच्छा आप लोग को बता रहा था कि सेंसिटिविटी बनाते कैसे ठीक है, आपका 375 है ठीक है, आपका देखा यार मुझसे कंट्रोल हो रहा है, तो बस आप मतलब जहाँ पर आपको सेट होगा ना हाथ आपने वहाँ रखना है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा 300 तो आपने 300 रखना है, आपने अपने डिवाइस के हिसाब से रखना है ठीक है। उसके अलावा जो इस अभी बात करें अगर स्नैपर वगैरह की, तो भाई देखो जैसे अभी 4x ठीक है, मुझे 4x मिल गया कार्नाडेट के साथ, तो भाई मेरा 4x था 300 पे, मैं इसको ले जाऊँगा 100 पे, बताता हूँ वजह से भाई, वजह ये देखो जब आप स्प्रे करते हो ना तो आपको स्प्रे पे कंट्रोल करना होता है ठीक है, अब ये मेरा सेम वही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, देखना जब आप इसको लो कर दोगे ना, लो का मतलब ये कि आपका स्कोप एक जगह रुक जाएगा, ये देखो जैसे अब मेरा कैसे कंट्रोल हो एक जगह रुका हुआ है। अभी स्नैपर पे क्या होता है भाई, स्नैपर पे सीन ही होता है कि जिसे समझो सामने घर में एक बंदा है, तो भाई स्नैपर का सीन ही होता है कि हमें स्नैपर पे हाथ एक जगह रोकना पड़ता है, तो सेंसिटिविटी जब कम होगी ना तो स्कोप एक जगह रुका रहेगा, ये देखो जब इसको मैं हाई करूँगा ना दिखाता हूँ आपको, देखो मैं अब इसी स्कोप को हाई करता हूँ, मैं हल्का सा मूव करूँगा ना देखना, इसको मैं हाई कर दी ठीक है, अब जैसे बिलफर्ज मेरा हाथ में कार 98 है, मैंने इसको हाई कर दिया, देखो मेरा हाथ एक जगह कंट्रोल ही नहीं होगा भाई, एक जगह कंट्रोल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी है स्प्रे के लिए, और अगर ये देखो मेरा हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसी को लो कर दूंगा ना, जैसे मेरा मैंने इसको लिया स्नैपर के ठीक है, स्नैपर के लिया अब ये देखो एक जगह रुक गया, इससे क्या है जैसे सामने करने बंदे ने पीक करनी ठीक है, बंदे ने पीक किया तुम्हारा हाथ रुका हुआ, पीक किया फायर मार दिया, पीक किया फायर मार दिया, जब तुम्हारी सेंसिटिविटी ही इतनी हाई होगी तुम अपना हाथ कहाँ से रोकेगा एक जगह, मुझे इतना पता,
तो उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा भाई, इसी तरीके से 6x हो गया, 8x हो गया। जब आपने स्नैपर पे यूज़ करना है ना, तो आपने सेंसिटिविटी को बिल्कुल कम कर देना है। कम किस लिए कि आपका हाथ एक जगह रुक जाए, और अगर आपको वही चीज़ अगर यूज़ करनी है नॉर्मल AR पे, तो आप उसको हाई कर दो। नॉर्मली हम 6x तो फुल यूज़ नहीं करते, 6x को 3x करके यूज़ करते हैं। तो जो 6x पे सेंसिटिविटी यूज़ होती है वो 3x की ही यूज़ होती है। जब हम 6 को 3 करते हैं तो 3 की ही यूज़ होती है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अगर हम 6 की करेंगे तो 6 की हमें बनानी पड़ेगी अलग से। नहीं भाई, 6 पे 3 की ही यूज़ होती है। जब आपने 6 को छोटा कर दिया तो वो 3 की यूज़ होगी अब उस पर, ठीक है। तो भाई बाकी देखो, स्नैपर के लिए इसको कम कर दो और नॉर्मल स्प्रे के लिए इसको हाई कर दो। और उसके अलावा सेंसिटिविटी जरा एक बार अगेन देख लो, ये लो एंड डिवाइस सेंसिटिविटी है। आप लोग जरा इसको ट्राई करना, उम्मीद है आप लोग का मज़ा भी आएगा, फ़ायदा भी होगा। ये बिना जेरो वगैरह वालों की, अब इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते रहना भाई, ज़रूरी नहीं। मैं आपको तो पहले ही बोल रहा हूँ कि भाई इसमें चेंजिंग करते रहना, अगर नहीं कंट्रोल है तो चेंज कर देना आप। और ये बाकी जेरोस्कोप की, ये भाई आपके भाई की सेंसिटिविटी है। ये 4x में स्प्रे के लिए फिलहाल कर रहा हूँ, देखो 4x स्प्रे के लिए इतना कर दो और नॉर्मल के लिए इतना है। और ये 6x वगैरह को अगर स्नैपर पर यूज़ करोगे तो इसको लॉक कर देना आप लोगों ने, ठीक है। 8x को भी लॉक कर देना, ये पहले नॉर्मल रख देना, ठीक है भाई। कंट्रोल वगैरह बाकी मेरा जो मेरे अपने iPhone XR है, कंट्रोल वगैरह सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड की है चैनल पे। बाहर से भाई शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, खैर वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लेना, नीचे मैंने अपलोड की है iPhone XR हैंड कैम प्लस सब कुछ अपलोड किया हुआ है। और बाकी अगर इसके अलावा कोई और बात वगैरह कोई और बातचीत करनी हो तो भाई भाई के इंस्टाग्राम पे हाजिर हो जाए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, IBSLR नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। और बाकी चलो, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग का फ़ायदा हुआ होगा भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।